करीब करीब 3 महीने पहले यहाँ आया था अपनी टांग का ऑपरेशन करवाने के लिए। तो एक तो ये बताइए कि आप कहाँ से आए और कैसे आए और क्या फायदे हुए, अब आपके जाने का भी टाइम हुआ हुआ है, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जो बाकी के पोलियो के पेशेंट्स हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉली है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मैं जब 3 साल की थी तो मुझे पोलियो हो गया था और पोलियो के होने के बाद मुझे मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे, उन्होंने बहुत जगह मेरा इलाज करवाया पर रिजल्ट कहीं से अच्छा नहीं हुआ और उनको यही मतलब सारे जगह से यही मिलता था कि इसको पढ़ाना है तो पढ़ाओ बस, और इसका कोई मतलब रिजल्ट नहीं है, पोलियो का तो कहीं इलाज ही नहीं है। तो फिर निराश होकर के मेरे मम्मी पापा छोड़ दिए इलाज करवाना। उसके बाद पढ़ाई लिखाई में जैसे जैसे उम्र हुआ उसके बाद मेरा स्कूल हुआ कॉलेज हुआ, उम्र बढ़ते चली गई, 30 ईयर जब मेरा हुआ उसके बाद काफ़ी परेशानी बढ़ने लगी। ऐसे मैं हाथ रख करके पैर पैर चलती हूँ, चलती थी पहले, और मेरा पैर बहुत ठंडा रहता था, पैर मेरा मुड़ा हुआ भी था, पोस्चर सीधा नहीं था, हिप लॉकिंग नहीं हो रही थी, नी लॉकिंग भी नहीं था, एंकल भी मेरा टेढ़ा था, इस सब कारण से बहुत बहुत परेशान रहती थी मैं। और जैसे जैसे समय बीतते गया ये और मुझे परेशान ये बीमारी करने लगा। मतलब पहले तो चल लेती थी तो पता नहीं चलता था, लेकिन 30 ईयर के बाद बहुत बहुत परेशान होना शुरू होने लगा और कहीं जाने का मन नहीं होता था, एक जगह बेड पर बैठी रह जाती थी, सोचती रह जाती थी मेरा क्या होगा। ऐसे ही हार खा करके बैठ गई एक दिन, सोच रही थी मैं, बिल्कुल सोच रही थी कि मेरा यही लाइफ हो गया, और मैं शायद अब ऐसे ही अब होते चले जाऊँगी। फिर मेरे दिमाग में ये बात आया कि मैं एक बार मोबाइल पर सर्च करके देखती हूँ कहीं इसका कुछ तो होगा। बस इसी से मैंने सर्च करना शुरू किया तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल के नाम आए, पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ था भोला हॉस्पिटल था। तो और उसमें देखा मैंने कि उसमें मेरी तरह पेशेंट लोग चल रहे हैं और चलने के बाद उनका ऑपरेशन के बाद वो ठीक से चल रहे हैं। तो हमने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा कि चलो एक बार वहाँ जाकर के मिलते हैं दिखाते हैं। तो मैंने मन बना लिया आकर के चेकअप करवाने का। तो अक्टूबर में मैं आई यहाँ चेकअप करवाने, तो फिर सर से बात हुआ, सर बहुत सारे बात को इतना अच्छा समझाए, इतना अच्छा से समझा दिए सर कि मुझे लगा कि मैं अभी ठीक हो जाऊँगी, मुझे ऐसा लगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऑपरेशन नहीं होता है तो ये ऑनवेड हो जाएगी, तो मुझे लगा कि सही बात है, मैं अभी ही इतना परेशान हूँ तो आगे जाकर के 5 साल के बाद मुझे तो लगेगा ही। तो चेकअप भी यह मेरा हुआ और सर ने जो जो बात बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने परिवार में जाकर के सबको बताई, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बोला कि नहीं जाकर वहाँ मिलो, जाकर ऑपरेशन करवाओ। और मैं नवंबर में आकर के यहाँ पर ऑपरेशन करवाई, यहाँ पर आपके यहाँ ऑपरेशन जब मेरा हुआ, ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन ही मुझे लगने लगा कि मेरा पैर में इम्प्रूवमेंट होने लगा, मेरा पैर सीधा हो गया, उसके बाद वेट भी आने लगा और मेरा नी भी लॉकिंग होने लगा, हिप भी लॉकिंग होने लगा, मेरा एंकल भी सीधा हो गया और मुझसे काफ़ी सारे मेरे फायदे हुए। उस समय लगा था कि अभी तो बहुत कम दिन है इसलिए इतना फ़ायदा हुआ, अभी तो बहुत दिन पड़ा हुआ है मेरे लिए, आगे तो बहुत अच्छा होना है। तो 3 महीना मेरा पूरे हो गए हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पता नहीं चला कैसे ये सफ़र गुजर गया मेरा। और यहाँ के स्टाफ लोग भी बहुत बहुत अच्छे हैं, फिजियोथेरेपी लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा से सब किया मुझे, बहुत अच्छा, अभी तो मैं बहुत अच्छे से होके जा रही हूँ यहाँ से। इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया मेरे ऊपर। और एक बार रिक्वेस्ट है जितने भी पोलियो पेशेंट हैं आकर के यहाँ एक बार मिले, ज़रूरी नहीं है कि हाँ ऑपरेशन ही करवाना है, पर
आकर मिलने से ही पता चलेगा कि हाँ क्या होता है क्या नहीं, एक बार आकर के दिखा यहाँ पर, यही मेरा रिक्वेस्ट है। पहले तो ये बताओ कि आपको फायदे क्या क्या हुए, ऑपरेशन से पहले क्या था और बाद में क्या हुआ है? ऑपरेशन से पहले मैं हाथ रख के चलती थी, अब अब मेरा हाथ छूट गया है, अब अच्छा मैं बिना कोई सपोर्ट के अच्छा चल लेती हूँ, ठीक है, और अच्छा चल लेती हूँ। मेरे पैर में वेट भी आने लगा, मेरा पोस्चर भी सीधा हो गया, मेरा पैर भी सीधा हो गया, नी लॉकिंग जो नहीं हो रहा था वो नी लॉकिंग भी हो गया, अच्छा हिप लॉकिंग नहीं हो रहा था, अब हिप भी लॉकिंग हो रही है, और काफी फायदा है ऑपरेशन के बाद, मुझे काफी फायदा है हुआ है। और पैर जो था अनस्टेबल हो जाता था पहले, अब स्टेबल हो जाता है या नहीं? हाँ, नहीं स्टेबल हो जाता है मेरा, एक नहीं बार ये दिखाएंगे अपना ये वाला? एक बात बताइए कि इतने सरगे लगे हुए हैं उसके बाद भी आप हंस रहे हैं, इसका क्या राज है? ऑपरेशन के 2-4 दिन तो लगता है कि हाँ मतलब दर्द वगैरह होता है, फिर उसके बाद से जैसे जैसे समय निकलता है उसके बाद से ये कंफर्टेबल हो जाता है, दर्द नहीं रहता है, या इससे कोई परेशानी नहीं है, इससे हमको कोई दिक्कत भी नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर आपको 4 महीने पहले ले जाएं वापस तो आप ऑपरेशन करवाना चाहेंगे या नहीं? कोई आपको यहाँ आने का पछतावा तो नहीं नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जो मैं माइनस में जा रही थी वो अब मेरा मन खुश है यहाँ से, कि और पेशेंट आते हैं, जब बहुत जगह से सारे पेशेंट आते हैं, उनको कितना जगह से ऑपरेशन करवा के आ रहे हैं फिर भी इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो तब तो मुझे समझ में आता है कि अगर मैं नहीं करवाती ऑपरेशन तो शायद मेरा बहुत बुरा हाल होता आगे जाकर के, मैं सही बात है ऑन बेड हो जाती, बेड पर रहना पड़ता मुझे आप पहले आए थे तब आपने कोई मरीज देखे यहाँ पे? यहाँ से। हाँ उसके बाद आए फिर आपने कई मरीज देखे जिनका पहले ऑपरेशन हो चुका था, तो उनके बारे में किसी के बारे में कुछ बताएंगे क्या कहते थे? नहीं, सारे यहाँ से खुश होकर के जाते हैं, सारे पेशेंट यहाँ से, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, यहाँ रिजल्ट अच्छा आता है, बहुत सारे पेशेंट खुश होकर के यहाँ से जाते हैं। अब आपको चलते समय हाथ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती? नहीं बिल्कुल नहीं। पैर थोड़ी सी मोटी भी हो गई हाँ है। सर, पैर भी मोटे जो एक उम्मीद लेके आए थे आप ऑपरेशन से पहले यहाँ पे भोला हॉस्पिटल में कि मैं ऐसे हो जाऊंगी, मैं ये ऑपरेशन से पहले हर एक आदमी कहता है मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तो क्या वो पूरी हुई हाँ है? सर, पूरी हो गई मेरी इच्छा, कि मेरा हाथ छूट गया तो इससे बड़ा क्या बात हो सकता है, जो कि मैं इतना झुकती थी, अब मुझे झुकना नहीं पड़ रहा है, अब मैं सीधे खड़ा चलती हूँ, अब इससे बड़ा क्या बात हो सकता है। ठीक है ना, बोल रहे हैं ठीक बोल रही है, हाँ, एकदम कोई झूठ तो नहीं बोल रही? झूठ कोई झूठ आप इनके मम्मी हैं, इतनी सेवा करी है आपने इनकी, नहीं सब सही बात है, कोई गलती नहीं बोल, कोई परेशानी हुई हो यहाँ? कुछ परेशानी नहीं, पहले से बेहतर हुई है? हाँ ये बहुत ठीक सर, खड़ा हो नहीं रहते तो पानी नहीं सब पी लेती है अपने आप पी लेती हाँ, है? हाँ। पहले पानी नहीं पी लेते थे, खड़े नहीं हो पाते थे पहले, ऐसे खड़े होके पानी वगैरह नहीं पी सकते थे जैसे ये कह रहे हैं? सर मतलब ऑपरेशन के बाद मतलब इधर हम अपना से कुछ कुछ काम कर ले रहे हैं, वो ये बता रही है कि वो हम बता रही पानी हैं हाँ। पी लेते हैं, कुछ निकाल के खा भी लेते हैं, मतलब इससे कोई परेशानी अब नहीं है मुझे। नहीं पहले आपने इन्हें ऑपरेशन से पहले भी देखा है, अब ऑपरेशन के बाद भी आप देख रहे हैं, हाँ तो क्या फर्क लगता है आपको? नहीं बहुत ठीक है, क्या ऐसी कोई चीज लगी ठीक हाँ नहीं? छूट गया, ठीक है, हाथ छूट गया अच्छा अपना से कम वो आकर से अभी चलती है, तेरा बाद हाथ छोड़ के चलती है, तो इससे पर क्यों कौन चीज होता है, इससे बहुत बढ़िया, हम बहुत खुश है डॉक्टर साहब, आपसे भी बहुत खुश है, शुक्र है इसको बहुत परमात्मा का, हाँ 3 महीना से, उसकी 3 महीने कहीं पे भी 3 महीना रहना से कोई यहाँ आसान है, नहीं होता है। हाँ 3 महीना के बाद हम खुशी से जा रहे हैं, ये हाँ बहुत है यार, बिल्कुल बिल्कुल, ये परमात्मा की बहुत बहुत मेहरबानी हाँ है, उसका शुक्रिया है कि डोली जी ठीक तरह से जा रहे हैं यहाँ से। वेरी गुड, आप कुछ पूछना चाहते हैं बेटे, कोई बस ऐसा आप जो और जो पोलियो पेशेंट्स हमको भी मैसेज देना चाहोगे? हाँ तो वही, उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप एक बार आकर के यहाँ भोला हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाएं, सर से मिले,
और आपको काफी सारा मतलब फायदा आपको उसी समय समझ में आ जाएगा, आपको बेनिफिट्स यहाँ बहुत मिलेंगे, यही रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। तो जो भी लोग YouTube या किसी और चीज पे आपको देखे उनके लिए आपका ये मैसेज है? हाँ, एक बार आपको जरूर आए, जरूर से जरूर आए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपके मम्मी का।